ये देखो दोस्तों, अपने साबूदाना के पकोड़े अंदर से कितना ज़्यादा फ्लफी बना है और बाहर से ना ये सुपर क्रिस्पी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। तो फिर देर की इस बात की है, चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीज किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे साबूदाना। मैंने यहाँ पे बड़े वाले साबूदाने लिए हैं, आप चाहो तो छोटे वाले भी ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको ना सूखे पैन में थोड़ी देर के लिए ऐसे ही भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इससे क्या होगा, साबूदाने के अंदर अगर कोई भी मॉइस्चर रहा ना तो वो चली जाएगी। 5 से 7 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरह से ही भूनने के बाद हम ना इसको ग्राइंड करके लेके आएंगे। तो मैंने तो इसको ग्राइंड कर लिया है दोस्तों, मतलब कि इसका एक पाउडर मैंने बना लिया है। इसका पाउडर जो है ना वो चावल के आटे के जैसा होता है। अब उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा उबला हुआ आलू। एक मीडियम साइज़ के आलू को मैंने उबाल के ली थी और उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। थोड़े से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर जीरा डाल रही हूँ और वो चटाके वाली फिलिंग के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काला नमक, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक और नींबू। आधा मैंने नींबू लिया है, उसका मैंने रस निकाल लिया है। आप चाहो ना तो थोड़ा सा इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो, उसका जो टेस्ट और जो फ्लेवर है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कोई भी पकोड़े में। तो इसको ना हम अच्छी तरह से मसलेंगे, मतलब कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालनी है दोस्तों। जिस तरह से हम आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसको लगा लेना है। तो ये देखो, इसका एक सॉफ्ट डो जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसमें तेल लगा देते हैं और उसके बाद इसको रेस्ट पर रख देते हैं कम से कम 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद ये देखो, ये रेस्ट होकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें से छोटे छोटे लोइयां काट लेंगे। अब पकोड़े का क्या है दोस्तों, आप ना अपने मनपसंद की कोई भी शेप इसमें दे सकते हो। मैं तो इसको गोल गोल बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो टिकिया के जैसे चपटा भी बना सकते हो, लंबा शेप भी दे सकते हो, सिलेंडर शेप जिसको कहते हैं। तो ये इस तरह से मैंने सारे जो है पकौड़े को बना लिया है। अभी चलिए चलते हैं इसको तलने के लिए। तो तलने के लिए मैंने यहाँ पर तेल गर्म कर ली है, इसको मैंने रखा है मीडियम फ्लेम पर, और मीडियम फ्लेम पे ही ये सारे के सारे पकोड़े जो है हम इसमें डाल देंगे। सारे पकोड़े तेल में डालने के बाद हम इसको थोड़ी सी इस तरह से घुमा लेंगे ताकि इसका जो सारा का सारा साइड्स है वो अच्छे से फ्राई हो सके। तो ये देखो, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इससे ज़्यादा कलर ना इसमें नहीं आएगा। तो अभी चलिए इसको ना हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं, यह गर्मा गर्म ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो तैयार है दोस्तों अपने साबूदाना के पकोड़े। आप ना इसको फास्टिंग के टाइम पे इंजॉय कर सकते हो, नवरात्रि आ रही है दोस्तों, इसको घर पे एक बार ज़रूर बनाना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं तो यहाँ पे टोमेटो केचप से इंजॉय कर रही हूँ, आप चाहो ना तो थोड़ा सा हरी चटनी भी ले सकते हो इसकी जगह पर। ऊपर से मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, ताकि ये दिखने में भी अच्छी लगे और टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छी लगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, और बस इसको एंजॉय करनी है दोस्तों। मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये अंदर से कितना ज़्यादा फूला फूला है ना, ये बहुत ही यमी बनती है दोस्तों। फास्टिंग के टाइम पे ये वाले पकोड़े ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और दोस्तों, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस में आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।